अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। गोखले को करीब 15 दिन पहले पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख में है। हालांकि अभिनेता की हालत खराब हो गई और उन्होंने कथित तौर पर डॉक्टरों द्वारा इलाज का जवाब देना बंद कर दिया और उनकी हालत अब गंभीर बताई जा रही है। विक्रम गोखले कई हिट बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें हम दिल दे चुके सनम, भूलभुलैया, दिल से, दे दना धन, मिशन मंगल और अन्य शामिल है। विक्रम गोखले एक भारतीय फिल्म, टेलीविजन और मंच अभिनेता है, जो मराठी थिएटर और हिंदी फिल्मों और टेलीविजन में अपने भूमिकाओं के लिए उल्लेखनीय है। उनका जन्म 14 नवंबर 1945 को हुआ था। गोखले की परदादी दुर्गाबाई कामत भारत पर्दे की पहली महिला अभिनेत्री थी, जबकि उनकी दादी कमलाबाई गोखले भारत सिनेमा की पहली महिला बाल कलाकार थी। उनके पिता चंद्रकांत गोखले एक अनुभवी मराठी फिल्म और मंच कलाकार थे और उन्होंने 70 से अधिक मराठी और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। गोखले पुणे में सुजाता फार्म नामक एक रियल एस्टेट फार्म चलाते हैं। वह एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी है। उनके परिवार की चैरिटेबल फाउंडेशन विकलांग सैनिकों और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उन्होंने 1985 में दूरदर्शन टीवी धारावाहिक नटखट नारद में माँ विष्णु के रूप में अभिनय किया। फरवरी 2016 में गले की बीमारी के कारण गोखले मंच की गतिविधियों से रिटायर हो गए। हालांकि उन्होंने अभी भी फिल्म का काम जारी रखा है। गोखले ने अपने निर्देशन की शुरुआत 2010 में मराठी फिल्म आघात से की थी। रंगमंच में उनके अभिनय के लिए उन्हें 2011 से संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2013 में उन्होंने अपनी मराठी फिल्म अनुमति के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता।